दोस्तों आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। इसके इस नई वीडियो में मैं आपको पियाजो द्वारा एक सवारी गाड़ी जो कि मार्केट में इंट्रोड्यूस की गई है उसके बारे में आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। ये गाड़ी है आपे ऑटो HT जो कि एक सवारी गाड़ी के अंदर सवारी मॉडल के अंदर एक ये गाड़ी आई है, पैक्स के अंदर आई है। पियाजो की जो गाड़ियाँ हैं वो अपनी मजबूती, ड्यूरेबिलिटी, अच्छी ईंधन क्षमता और वजन ढोने की क्षमता के साथ साथ रीसेल वैल्यू और लंबी लॉन्ग लाइफ के लिए जानी जाती हैं। ये जो सवारी गाड़ी है इसको मार्केट में अभी मार्केट की जरूरतों के हिसाब से देखते हुए नए फीचर, नए इंजन और नई टेक्नोलॉजी CNG के डबल सिलेंडर, ट्विन सिलेंडर के साथ लॉन्च किया गया, उसके बारे में डिटेल में आपको बताऊँगा। पहले आप गाड़ी का लुक देखिए, सामने से वही जाना पहचाना पियाजो का फेस जो कि एक शानदार लुक देता है। पियाजो लोगों के साथ बड़े हेडलैम्प, बड़े बड़े इंडिकेटर्स, बड़े टायर और बड़ी सिंगल वनशील्ड। ये गाड़ी 36 महीने वारंटी के साथ आती है। इस गाड़ी पे 36 महीने की वारंटी है। आपको सारी सर्विसेज डीलरशिप पे अथॉराइज पे करानी है। आप 36 महीने तक वारंटी के लिए आप हकदार हैं। अब इस गाड़ी के बारे में बात करते हैं, इसके कैबिन के बारे में। इस गाड़ी के अंदर वही जाना पहचाना स्मार्ट कैबिन दिया गया है जहाँ पर आपको म्यूज़िक सिस्टम के लिए स्पीकर की जगह और आप देखिए यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम लगाने जगह है। इजी कंट्रोल के लिए यहाँ पे बटन दिए गए हैं जो कि आपके सिस्टम को, गाड़ी के हेडलाइट्स को देखिए, आप सामने देखेंगे तो ये हेडलाइट्स ऑन ऑफ हो रही है मीटर के अंदर भी। ये देखिए सिंगल बटन ऑपरेट से दिए गए हैं। हैजार्ड लैम्प दिया गया है ये देखिए, और एक स्मार्ट कंसोल दिया गया है जिसके अंदर कि आपको ड्राइवर को सारी जानकारी मिलती है, ये CNG का लेवल और ये जो यहाँ पे लाइट्स है जो कि गाड़ी के बारे में कोई भी जानकारी है उसके साथ उसके बारे में देती हैं आपको। गाड़ी में अभी क्या चल रहा है या गाड़ी के अंदर क्या इस टाइम काम करना चाहिए वो सब इसमें बताया जाता है। इस डैशबोर्ड के अंदर आपको लॉकेबल डैशबोर्ड मिलता है जो कि काफ़ी गहरा है, काफ़ी जगह इस डैशबोर्ड के अंदर है। आप देखेंगे तो इसके अंदर इतना स्पेस है कि आप बहुत सारी ड्राइवर अपने डॉक्यूमेंट्स, स्कीम, चीज़ें यहाँ देखिए, लंच बॉक्स तक इसमें रख सकता है और ये एक लॉक के साथ उपलब्ध कराया गया है। RC लीवर और एक रिवर्स का सिस्टम दिया गया है। इस गाड़ी के अंदर टोटल 5 गियर दिए गए हैं। 5 स्पीड गियरबॉक्स की गाड़ी है, 5 स्पीड प्लस एक 5 फॉरवर्ड और एक रिवर्स गियर के साथ आती है। अब इस गाड़ी की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है, इस गाड़ी के अंदर आज की पेट्रोल की महंगाई को देखते हुए, डीजल की महंगाई को देखते हुए कंपनी ने इसमें ट्विन सिलेंडर दिए हैं। ट्विन CNG सिलेंडर है जिसकी कैपेसिटी, इसकी कैपेसिटी 40-40 लीटर है और इसकी कैपेसिटी 20 लीटर है। ये जो कैपेसिटी है ये हम वाटर कैपेसिटी के अंदर बात करते हैं, बट लेकिन यदि आप इसी कैपेसिटी के अंदर आप देखेंगे CNG तो 10 किलो से अधिक इसके अंदर CNG आ जाएगी। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपको बार बार कहीं पर भी रुकना नहीं है CNG के लिए, बार बार लाइन में लंबी लंबी लाइन में लगना है। और पेट्रोल जो आज की डेट के अंदर 100 रुपए से लेके 102 रुपए से लेके और लगभग 110 रुपए के आसपास चला गया विभिन्न विभिन्न शहरों के हिसाब से, राज्यों के हिसाब से, वहाँ पर यही CNG आपको 45 रुपए से 52-55 रुपए किलो के बीच में चलती है। यानी कि आपकी जो ईंधन की खपत है वो आधी रह गई है, प्लस आपका जो माइलेज है पेट्रोल से ज़्यादा होता है। अब इस टेक्नोलॉजी को बड़ी स्मार्टली यहाँ पे पियाजो ने के इंजीनियर्स द्वारा दिया गया है। ये पहले सिलेंडर का वॉल है जो लॉक करता है और ये सेकंड सिलेंडर के लिए दिया गया है। आप अपने हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से सिलेंडर को यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही साथ प्रेशर गेज दिया गया है, ये प्रेशर गेज आपको दिखाता है कि गाड़ी में कितना CNG के टाइम पे है। अभी हम बात करें तो यहाँ पर एक सेफ्टी गार्ड भी दिया गया जो कि इस सारे सिस्टम की सुरक्षा करेगा। साथ के साथ CNG का जो लेवल है उसको दिखाने के लिए यहाँ पर एक इंडिकेटर दिया गया है। देखिए अभी ग्रीन लाइट ब्लिंक, ये ग्रीन लाइट ब्लिंक हुई और ये अभी इसको एक स्मार्ट टेक्नोलॉजी कह सकते हैं जिसके अंदर कि आपको ड्राइवर को डैशबोर्ड पर ही सारी जानकारी मिलती है। तो ये तो इसकी खूबसूरती है गाड़ी की कि इसके अंदर आपको ईंधन से, ईंधन की टेंशन से हमेशा मुक्ति मिल जाती है। सेकेंड, इस गाड़ी के अंदर आप देखेंगे तो इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है। इफ़ हम कंपेयर करें तो यहाँ पर गाड़ी की हाइट इतनी ज़्यादा है कि गाड़ी के अंदर ड्राइवर को भी अंदर घुसना पड़े, ड्राइवर को भी अंदर घुसना पड़े। ये देखिए एक लगभग 5 फुट 10 इंच के एक इंसान है जो गाड़ी के अंदर इजीली अंदर जा रहे हैं और अंदर बाहर आ रहे हैं। और उसके बाद इनके सिर के ऊपर भी काफ़ी सारा हेडरूम स्पेस बच जाता है, यानी कि गाड़ी के अंदर
इजीली एक्सेस आने जाने के लिए है, ड्राइवर चाहे लंबा है। उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पर एक डोर दिया गया है, डोर खोल दें, ये सेफ्टी डोर दिया गया है और इसके अंदर आप देखिए लगभग 5 फुट एक 8 से 10 इंच का इंसान है कितनी इजीली गाड़ी के अंदर एंट्री करता है। आप देखेंगे तो गाड़ी के अंदर कितने आराम से वो गए हैं और आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है। और यदि गाड़ी के अंदर बच्चे ट्रैवल कर रहे हैं या कुछ सामान रखा है तो इस सेफ्टी डोर से आप इस आपके बच्चे और आपका परिवार भी सुरक्षित है। अब आप बात हम बात करें इसके अंदर पीछे के रूम में, हेड स्पेस में, तो आप देखिए कितना स्पेस, लगभग 1 फुट से ज़्यादा का स्पेस ऊपर बचता है, जो कि आपको आपका हेडरूम आपको अच्छा मिलता है। प्लस ये जो सीट है इतनी बड़ी है कि इसके अंदर लगभग तो लगभग 4 आदमी बहुत आराम से बैठ सकते हैं। वैसे 3 के लिए डिज़ाइन है ये, बट लेकिन 4 आदमी आराम से बैठ सकते हैं। अब हम पीछे की बात करें इस गाड़ी के अंदर, जो सबसे बड़ी इस गाड़ी की जो खूबसूरती है, इतनी सारी सुविधाओं के साथ कंपनी ने इस गाड़ी में इंजन भी एक 300 cc का वाटर कूल्ड इंजन दिया गया है। मैं आपके सामने एक आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए, ये गाड़ी के अंदर 5-speed गियरबॉक्स है, 300 cc का वाटर कूल्ड इंजन है जिसके अंदर एक रेडिएटर दिया गया। और ये जो रेडिएटर है ये गाड़ी के अंदर कूलिंग का काम करता है, उसमें हेल्प करता है। बहुत सिंपल और बहुत ही आसान टेक्नोलॉजी से ये टेक्नोलॉजी वाली गाड़ी बनाई गई है। इंजन बहुत इफेक्टिव है, इंजन की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। इंजन को ऊपर से देखें तो ये देखिए, ये इसका कूलिंग सिस्टम यहाँ पे दिया गया है, ये रेडिएटर है, उसके साथ फ़ैन दिया गया है, ये उसकी कूलिंग होस है, ये कूलिंग टैंक है। एंड आपको कूलेंट इसमें बार बार टॉप अप नहीं करना है, इसमें विस्कस फ़ैन है जो कि कंटिन्यू उसके साथ इंजन के साथ घूमता है और गाड़ी को के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। अभी हम बात करें इसके अंदर गियर शिफ्टिंग की, तो इसका गियर शिफ्टिंग मैकेनिज्म भी न्यूट्रल के साथ, ये देखिए एक पूरा एक मैकेनिज्म यहाँ पे बनाया गया है जो कि न्यूट्रल स्विच के साथ और ये जो पुल एंड पुश केबल के साथ दिया गया है। बड़ा स्मार्ट तरीके से इसको बनाया गया है। इसके अंदर सबसे बड़ी बात है आपका ऑक्सीजन सिस्टम की, तो इस गाड़ी को जो ऑक्सीजन है इंजन को यहाँ से सिस्टम एयर मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है और ये फिल्टर होती हुई सिस्टम से वापस घूम के यहाँ पे आती है। इसके अंदर आप देखेंगे तो थ्रोटल बॉडी के अंदर इंजेक्टर्स दिए गए हैं, मैप सेंसर है और ये इंजेक्टर्स दिए गए हैं। तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिससे कि फ्यूल के अंदर कोई किसी भी दिक्कत से गाड़ी रुके या फिर कोई प्रॉब्लम आए। सेंसर सिस्टम है, स्मार्ट टेक्नोलॉजी है, ECU के साथ दिया गया है। गाड़ी में मेंटेनेंस के नाम पे कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो बार बार ख़राब हो, सिंपल और मजबूत चीज़ दी गई है। देखिए एक बार ध्यान से देखिए इसे, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो इसका ऑक्सीजन जो एयर सिस्टम है, एयर वेंट, उसके लिए इसको यहाँ से बाहर से जोड़ा गया है। ये बाहर से जोड़ा गया, बाहर से जोड़ने का क्या फ़ायदा है कि जो इसके अंदर जो डस्ट एंट्री है वो डस्ट एंट्री वो नहीं होगी, क्योंकि पहले नीचे की तरफ सिस्टम होता था टायर के पास, उससे क्या होता था टायर से डस्ट उड़ती थी, फाइन डस्ट वो इंजन में एंट्री करती थी या फिर एयर फिल्टर की लाइफ कम होती थी। लेकिन यहाँ पर स्नॉर्कल लगाने की वजह से अब इस गाड़ी के अंदर जो इसका लाइफ है, फिल्टर का लाइफ भी बढ़ गया है, प्लस डस्ट एंट्री भी इस गाड़ी में नहीं होती है। इस गाड़ी के अंदर टूल रखने के लिए एक स्पेशल अरेंजमेंट किया गया है, यहाँ पर इसको आप इसमें टूल रख सकते हैं अपने, और ये जैक के लिए स्पेस दिया गया, जैक यहाँ पे लॉक हो जाता है। और ये जो है स्टेपनी साइड पर दी गई है। इसकी जो सीट है, इसकी जो सीट है वो फोल्डेबल है, आप इस सीट को ऐसे फोल्ड कर सकते हैं, ये देखिए ये सीट को आप आसानी से आराम से फोल्ड कर सकते हैं। उसके बाद भी यहाँ पर कितना स्पेस बचता है कि आपकी सवारी का जो लगेज है, सामान है या कभी कुछ और चीज़ है जो लेके जाना चाहते हैं तो आप आराम से लेके जा सकते हैं। पीछे के हिस्से के अंदर, पीछे के हिस्से के अंदर आप देखिए आपको एक गार्ड दिया गया है जो कि पीछे इंजन एंड बाकी चीज़ों को प्रोटेक्ट करता है। बड़ी टेल लाइट है, लाइसेंस प्लेट के ऊपर भी लाइट दी गई है। गाड़ी के जो टायर हैं वो बड़े हैं, गाड़ी का टायर साइज़ बड़ा है, MRF के टायर दिए जा रहे हैं गाड़ी के अंदर। और ओवरऑल इस गाड़ी को देखेंगे तो ये गाड़ी साइज़ में बड़ी है, इंजन बड़ा है, डबल सिलेंडर हैं, हेडरूम बड़ा है और गाड़ी की जो पावर और जो परफॉर्मेंस है वो पहले से बहुत बेहतर हो गई है। इस गाड़ी को लेने के बाद आपकी बचत हर तरीके से है, जैसे कि आपको फ्यूल के अंदर कम पैसा देना पड़ेगा,
सीएनजी पे गाड़ी है, सीएनजी कैपेसिटी डबल है, तो आपको कम पैसा देना पड़ेगा सीएनजी फ्यूल के अंदर। सेकंड, गाड़ी का इंजन बड़ा है तो गाड़ी की विद 5 स्पीड गियर बॉक्स साथ है, तो गाड़ी के अंदर आपको ज़्यादा पावर, पिकअप टॉर्क सब मिलता है, इंजन बड़ा है, और साथ साथ पियाजो का भरोसा है। इस गाड़ी पे 3 साल की वारंटी है और 1 साल तक मेंटेनेंस फ्री प्रोग्राम है, यानी कि पहले 1 साल तक आपको मेंटेनेंस के ऊपर कोई पैसा नहीं देना है। आपने सिर्फ सीएनजी सिलेंडर में गैस भरनी है और टायर में हवा। इसके अलावा गाड़ी का इंजन ऑयल, एयर फिल्टर, स्पार्क प्लग एक्सेट्रा, जो भी सर्विसेबल चीज़ें हैं वो सर्विस के अंदर 6 सर्विस मिलेंगी, उसके अंदर आपको ये सामान पियाजो की तरफ से दिया जाएगा, ये सपोर्ट दिया जाएगा। तो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा आपको ये गाड़ी कैसी लगी। मैं उम्मीद करता हूँ ये गाड़ी भी पहले की गाड़ियों की तरह सुपर हिट होगी और आप लोग इस गाड़ी के बारे में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। धन्यवाद।